हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिजाक कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस के एसिनबॉयन कम्युनिटी कॉलेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं और वो भी मैनिटोबा जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कॉलेज का मेन कैंपस किस सिटी में है। इस कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो कनाडा की मैनिटोबा प्रोविंस के ब्रैंडन सिटी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या यह कॉलेज एक पब्लिक फंडेड है या प्राइवेट कॉलेज है। तो यह एक पब्लिक फंडेड कॉलेज है और TLI अप्रूव्ड है। अब हम बात करते हैं कि यह कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था। तो यह कॉलेज 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में जैन, मई और सितंबर तीनों ही इनटेक्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स और इसके साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन में मिनिमम 50% स्कोर होने ज़रूरी हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो आपके प्लस टू में मिनिमम 50% स्कोर होने ज़रूरी हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके बैचलर में मिनिमम 50% स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइल्स रिक्वायरमेंट की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 6 पॉइंट स्कोर होने जरूरी हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 6.5 स्कोर होने जरूरी हैं। और अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 स्कोर भी हैं तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं PT रिक्वायरमेंट की। अगर आप PT से इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 54 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TOEFL रिक्वायरमेंट की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है और TOEFL का इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है तो आपके 78 स्कोर रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपने PG प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दिया हुआ है तो आपके ओवरऑल 86 स्कोर रिक्वायर्ड हैं और ईच सेक्शन में 20 स्कोर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूलिंगो टेस्ट की। अगर आपने ड्यूलिंगो से इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है तो आपके ओवरऑल 105 स्कोर रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो 115 स्कोर रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैप ड्यूरेशन की। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर्स का, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। बट आपने इस गैप के ड्यूरिंग क्या एक्टिविटी करी है, इसकी जस्टिफिकेशन कॉलेज को प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इस कॉलेज की एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो इस कॉलेज की एप्लीकेशन फीस है $200 जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल कितने दिनों में मिल जाता है। तो इस कॉलेज से आपको लेटर ऑफ अप्रूवल विद इन 1 मंथ मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस कॉलेज की ट्यूशन फीस कितनी है। तो इस कॉलेज की अप्रोक्सीमेट ट्यूशन फीस $16,000 है जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर अवेलेबल है। तो इस कॉलेज में कंडीशनल ऑफर लेटर भी अवेलेबल है, इसके साथ ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स को कंडीशनल ऑफर लेटर और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है और किस कोर्स की ड्यूरेशन के लिए आपको कितने टाइम का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। और इसके साथ ही कंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या इस कॉलेज में कोऑप प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस कॉलेज में कोऑप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं और इसके साथ ही अकोमोडेशन ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में वीकली क्लासेस कितने दिनों की अवेलेबल होती हैं। तो इस कॉलेज में जो वीकली क्लासेस है वो 3 to 4 डेज की अवेलेबल होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एसिनबॉयन कम्युनिटी कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। इसके साथ ही आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।